Integrate it. Add wings to your career. Hello everyone, welcome to our channel Integrated. इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की जो एसएससी में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में. लास्ट लेक्चर में ईएससी के क्वेश्चन कर रहे थे और आप इस लेक्चर में पता करेंगे देखो कि कितना डिफरेंस है लेवल में, उसमें डिफिकल्टी लेवल कितना है एसएससी और ईएससी में. और अगर आप उसको क्वेश्चन को कर पा रहे थे तो ये देखो आसानी से सोल्व कर पाएंगे. तो आप स्टार्ट करते हैं. सेम ही आपको ये प्रैक्टिस के लिए है, तो आप अगर पढ़ाई की है तो आप इसको पहले हर वीडियो में हर क्वेश्चन को पॉज करें, खुद सोल्व करें, तो मैं फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा. देखो पहला क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे है. ए यूट्यूब मैनोमीटर मेजर्स. यूट्यूब मैनोमीटर किसका मेजरमेंट करता है, पहला है क्वेश्चन. ये तो अपन को पता है प्रेशर का मेजरमेंट करता है, लेकिन किसका मेजरमेंट करता है ये, कौन से प्रेशर का. पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद में है डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स, तीसरा ऑप्शन तो एनर्जी है वो तो कैंसिल हो गया, लास्ट है एब्सोल्यूट प्रेशर. देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए क्या होता है बैरोमीटर, तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गया, लास्ट वाला एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं, तो ये ऑप्शन कौन सा आ गया, डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स. ये अपने न्यूमेरिकल भी किया है, उसमें भी आपको समझ आया था कि ये दो पॉइंट्स के बीच का जो है प्रेशर डिफरेंस को बताता है यूट्यूब मैनोमीटर. तो आंसर हो गया इसमें कौन सा, बी ऑप्शन आ गया. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन न्यूमेरिकल भी किए हैं, वहां पे भी अपन ने देखा था यूट्यूब मैनोमीटर ये दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस बताता है, प्रेशर में डिफरेंस बताता है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू. गेज प्रेशर के बारे में पूछ रहा है, वो उसका रिलेशन एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कैसे उसका डिपेंड करता है, कैसे उसका रिलेशन है. देखो मैंने क्लास नोट्स में, अगर आपने पढ़ा हो क्लास में मैंने बताया था, नोट्स में भी अवेलेबल होगा, आपको मिल जाएगा पूरा इसका सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में. देखो ऐसे बताया था मैंने, ये है यहाँ पे जीरो प्रेशर लाइन. लास्ट लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल भी किया था और ये यहाँ पे इसने सीधा फॉर्मूला पूछ लिया. ये यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पे कोई पॉइंट है उसका प्रेशर है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर है ये यहाँ पे पॉइंट वन का, वो है एब्सोल्यूट प्रेशर है. ये यहाँ से जीरो लाइन से एब्सोल्यूट प्रेशर है, और जो पी गेज है ना वो इतना होता है कि जो पी एटमॉस्फेरिक से पी एब्सोल्यूट कितना ज़्यादा है वो, तो पी गेज आता है, अपन ने लेक्चर में ही पढ़ा है लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी किया था न्यूमेरिकल, उस पर भी आया था. तो पी गेज क्या हो जाएगा, पी गेज दोनों के बीच का डिफरेंस है, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक. अब देख लो ऑप्शन कौन सा रहा है, पहला ऑप्शन है एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस नहीं है, फिर दूसरा है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन हो गया अपना आंसर बी हो गया. तो ठीक है ऑप्शन हो गया, ये तो क्लासरूम में मैंने बताया था और न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखो इसका लेवल का डिफरेंस दिख रहा है ना, बिल्कुल सीधे सीधे पूछते हैं एसएससी में, ये थोड़े पुराने क्वेश्चन है, इसमें अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी ईएससी कंपैरिजन में तो कोई इनका कोई वो इतना रोल नहीं है ज्यादा खास, कंपेयर कर नहीं सकते ईएससी और एसएससी को. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर इंटेंसिटी इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड इज. प्रेशर इंटेंसिटी की वैल्यू पूछी है, वो क्या होगी. देखो प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर जो है ना, प्रेशर इंटेंसिटी वो होती है पी इक्वल टू रो जी एच, ये होता है. और ये जो है अपन को पूछा प्रेशर इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू पूछी है और इसने दिया है डब्ल्यू जो है वो यूनिट वेट है. यहाँ पे ऑप्शन में अपन को डब्ल्यू और एच है, एच तो ये कोई अपना है ही, और डब्ल्यू लिख रखा है इसने स्मॉल डब्ल्यू, वो दे रखा है यूनिट वेट. तो यूनिट वेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यूनिट वेट हो जाता है. तो वैसे अपन सिंबल में लिखते हैं तो रोजी इक्वल टू सोइल में लिखें चाहे फ्लूड में लिखें उसको गामा लिखते हैं, लेकिन इसने डब्ल्यू लिख दिया तो अपन भी डब्ल्यू लिख देते हैं. तो जो ये इक्वल टू डब्ल्यू और क्या आएगा, पी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच, ये आ गया अपना. तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें.
करेक्ट है ना, क्योंकि देखो यूनिट वेट की इसने यूनिट से मैच करके देखो, अगर यूनिट से मैच करो इसको आंसर निकालना है तो P इक्वल टू, और ये यूनिट W की यूनिट दे रखी है, W की यूनिट दे रखी है केजी पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू ये इसकी क्या होगी सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, क्या हो गया केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो W इंटू एच, और अगर यूनिट से मैच करके देखो तो ऐसे आ जाएगा। वैसे अपन को पता ही है इतना यूनिट मैच करना सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर्मूले हैं उनमें से पूछा है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप ही सोल्व करते रहो ये क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल बेसिक है। अब देखो नेक्स्ट है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्लूड इज, ऑप्शंस दे रखे हैं और आइडियल फ्लूड के बारे में पूछा है, उसके करेक्टरिस्टिक्स पूछा है। देखो आइडियल फ्लूड के करेक्टरिस्टिक्स क्या था, इसमें म्यू की वैल्यू जीरो मतलब फ्रिक्शनलेस या फिर इनविसिड, दूसरा था बीटा की वैल्यू जीरो मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, तीसरा क्या था सरफेस टेंशन जीरो मतलब कोहिजन जीरो, तीन इसके इसके वो थे करेक्टरिस्टिक्स थे। तो ऑप्शन देखो किसमें मैच हो रहा है, पहला पहले में तो कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन की बात कर रहा है नहीं, दूसरे में वन विच फ्लोज विद लिस्ट फ्रिक्शन कुछ ऐसा है नहीं, ओबेज लो ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करने वाला कौन सा हो जाएगा न्यूटोनियन फ्लूड, ये भी गलत है, लास्ट वाला है फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, दो इसके दे रखे हैं इन ये करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, ये भी बिल्कुल बेसिक है, हो गया करेक्ट है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सारे कॉन्सेप्चुअल या इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉयंसी डिपेंड्स अपॉन, देखो बॉयंसी डिपेंड्स अपॉन, देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऑप्शन भी दिख रहे हैं, आप खुद ही देखो क्या है ऑप्शन, मैं बताता हूं। देखो बॉयंसी जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से उसने दिया था एफ बी इक्वल टू रो जी वी, यही था, और ये क्या था, ये था वेट ऑफ जो एफ बी बॉयंट फोर्स, जो बॉयंट फोर्स है, बॉयंट फोर्स जो है वो क्या था, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूड, डिस्प्लेस्ड फ्लूड, ये मैंने लैंग्वेज की फॉर्म में भी बताया था वहाँ पे, और ये ऐसे भी बताया था, आप वहाँ पे अगर फिर से पूरा ढंग से पढ़ना चाह रहे हैं तो लेक्चर है बोयंसी का वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो तो बॉयंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूड, ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब मैच कर रहा है कि ऑप्शन में यही इसके बारे में क्वेश्चन यही पूछा ना, इसके डिपेंड करेगा, तो ऑप्शन देखो मैच कर रहा है क्या, तो प्रेशर विद विच द लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रेशर थोड़ी ना ये इसमें तो वेट आया है, फिर दूसरा है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, हाँ सही बात है, तो क्योंकि ये बॉयंट फोर्स है वही होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूड, या फिर ये फ्लूड है लिक्विड यहाँ लिख रखा है तो अपन लिक्विड लेके चला, एक ही बात है, विस्कोसिटी कुछ नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी कुछ नहीं है, तो ऑप्शन अपना हो गया बी ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये अपना फॉर्मूला वहाँ पे अपने डिराइव किया था, और ये आता है कि जो बॉयंट फोर्स है वो किसके बराबर होता है, वो होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूड के इसके इक्वल होता है, तो देखो हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, सरफेस के क्वेश्चन है, बिल्कुल ये हर टॉपिक में से बिल्कुल सरफेस से उठा रखे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो उसको, द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट ऑफ प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट इज नोन एज, ये बताओ क्या होगा, जिस पर रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ लिक्विड, रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ लिक्विड कहां से, ये ऑप्शन देखो मेटा सेंटर है क्या, नहीं हो सकता सेंटर ऑफ प्रेशर, ये तो बिल्कुल डेफिनेशन है, शुरुआत में बताया था जहां प्रेशर पास होता है उसको क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर हो गया, तो ये बिल्कुल ही है मेटा सेंटर, तो पॉइंट अलग बताया था आपको, ये जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है, और वो वर्टिकल लाइन से जिस पॉइंट पे काटेगा वो जो कट करेगा वो होता है मेटा सेंटर, और जो सेंटर ऑफ प्रेशर ये अपना आंसर ये है ही, जो करेक्ट आंसर इसका सिक्स क्वेश्चन का वो है सेंटर ऑफ प्रेशर, और सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, जो बॉयंट फोर्स से जिस पॉइंट से
पास होता है वो सेंटर ऑफ बोयंसी, और सीजी आपको पता है बिल्कुल ही बेसिक है, ठीक है। तो आंसर हो गया सेंटर ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो बॉडी, अब दो इसमें की टर्म्स हैं, तो क्वेश्चन है नेक्स्ट अपना सॉल्यूशन देखो इसका। क्वेश्चन देखो इसमें एक तो लिख रखा स्टेबल, दूसरा लिखा फ्लोट, फ्लोट और एक है स्टेबल। तो दो केस थे ना, एक तो फ्लोट है, एक फ्लोटिंग का केस था, एक है सबमर्ज्ड का केस था। तो उसमें दोनों के तीन तीन केस थे। फिर आगे तो फ्लोट के केस में दो कंडीशन है स्टेबल होने के लिए। अगर मेटासेंटर की टर्म में देखें तो एम अबव जी, एम अबव जी मैंने वहां पे बिल्कुल याद करने के लिए बताया था, ये एक याद कर लो, दूसरा अनस्टेबल के लिए अलग हो जाएगा, और न्यूट्रल के लिए तो हमेशा इसके उस पर ही हो जाएगा, कौन साइड हो जाएंगे उस पर लाई करेगा, ये हो जाएगा। तो अगर मेटासेंटर की टर्म में देखो तो मेटासेंटर की टर्म में, ठीक है। एक और था इसको देखने का, मेटासेंट्रिक हाइट के टर्म में, मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक हाइट क्या है, जीएम, जीएम ग्रेटर देन जीरो तो ये स्टेबल होता है। ये दोनों चीज मैंने जब लेक्चर में जब पूरा ये पढ़ाया था स्टेबिलिटी का, रोटेशनल स्टेबिलिटी पढ़ाया, वहां पे मैंने दोनों चीजें बताई थी। एक तो मेटासेंटर की टर्म में, इस टर्म में बताया था एम अबव जी, ये भी वहां पे बता रखा है अच्छे से, और एक ये बिल्कुल याद करने को बताया था मैंने पूरा, इसको वहां पे देखना नहीं है कि कैसे कैसे होता है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन संभल जी कैसे में तो मैंने आपको याद करने के लिए भी नहीं कहा था, वो समझ जल्दी से हो जाएगा वो। और ये जी एम ग्रेटर देन जीरो तो इसको स्टेबल बोला जाता है, मेटासेंट्रिक हाइट ग्रेटर देन जीरो। तो अब ऑप्शन चेक करना है अपन को, पहला है व्हेन इट्स मेटासेंट्रिक हाइट इज जीरो, वो नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगा, तो ये पहला ऑप्शन गलत है, ये आंसर नहीं होगा अपना। दूसरा है व्हेन मेटासेंटर इज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एम इज अबव जी, ये तो आंसर सही है, डी है, ये तो हो गया बी, अपना बी तो हो गया पक्का, बी तो है सही। फिर नेक्स्ट है व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये गलत है, ऐसा कोई रोल ही नहीं होता फ्लोटिंग में, सेंटर बॉयंसी का कोई रोल ही नहीं होता। और एक लास्ट है ननोदित, तो आंसर हो गया अपना बी, बी आंसर हो गया अपना, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ, तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत जो है इसकी इंफॉर्मेशन भी ऐसे याद कर लोगे तो हो जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपने लेक्चर्स को ढंग से पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कि वो हर बार कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो नए आते हैं, तो वो क्वेश्चन ना होए वो लगभग सब कभी सब लोगों से नहीं होंगे वो, तो उसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्वेश्चन को। अब देखो लैंग्वेज, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ढंग से पढ़ना, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में यही है, आपको पता अगर थ्योरी आपने पढ़ी भी है तो लैंग्वेज में ये आपसे गलती करवा देगा। देखो व्हेन द एडिशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड ऑफ ए फ्लूड इज ग्रेटर देन, अब देखो यहां पे यही लैंग्वेज लिख रखी है, एडिशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए फ्लूड, तो एक सेम टाइप के पार्टिकल्स हों उसके बीच में एडिशन को क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे जानबूझ के इसने ये एडिशन लिखा है, और वो सेम टाइप के फ्लूड के बारे में, उनके पार्टिकल्स के बारे में, तो ये है कोहेजन। आगे लिखा है इज ग्रेटर देन एडिशन बिटवीन फ्लूड एंड द ग्लास, तो ये कहने का इसका क्वेश्चन का जो कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कोहेजन इज ग्रेटर देन एडिशन, एडिशन ये कंडीशन इसने दे रखी है। उसके बाद बोल रहा है देन द फ्री लेवल ऑफ फ्लूड इन द ग्लास ट्यूब डिप्ड इन द ग्लास वेसल विल बी, अब देखो मैंने क्लास में इसमें ये जो पढ़ाया था वेटिंग एंड नॉन वेटिंग फ्लूड्स बताए थे मैंने, तो वहां पे मैंने आपको अच्छे से बताया था कौन सा ये नॉन वेटिंग होगा, कौन सा नॉन वेटिंग होगा, कंडीशंस क्या है उसकी, तो वो चीज मैं एक बार यहां से यहां पे फिर बता देता हूं। कोहेजन ज्यादा है एडिशन से, कोहेजन क्या होता है, सेम टाइप के पार्टिकलों, सेम पार्टिकल के बीच में होता है कोहेजन, सेम पार्टिकल के बीच में होता है, एडिशन क्या होता है डिफरेंट के बीच में होता है, ठीक है। अब ऐसा हो तो क्या होगा, इसका
तो क्या होगा, ये नॉन वेटिंग लिक्विड होगा, नॉन वेटिंग लिक्विड। और ऐसा होगा अगर एडिशन ये कंडीशन है ऐसी तो क्या होगा, नॉन वेटिंग लिक्विड होगा। तो नॉन वेटिंग लिक्विड में क्या होता है, क्वेश्चन आपने देख लिया है। देखो नॉन वेटिंग लिक्विड में क्या होता है, वहां पे मैंने बताया था नॉन वेटिंग लिक्विड का एग्जांपल बताया था मैंने एच जी ठीक है। तो अपने जैसे ये ट्यूब है, इसमें कॉलम में अपना लिक्विड है, अपना फ्लूड दे रखा है अपने एच जी, ठीक है। वो एच जी मैं समझा रहा हूँ, एच जी कैसे होगा, तो क्या होगा, जैसे इनिशियल मैं मान के चल रहा हूँ समझाने के लिए, इनिशियली जो है लेवल इसका ऐसे था, ठीक है। वहां पे मैंने बताया था, फिर भी देख लो एक बार फिर से, इनिशियली जो है लेवल ऐसा था, लेकिन क्या हो रहा है इसमें कोहेजन ज्यादा है, तो कोहेजन ज्यादा है तो इन दोनों कोहेजन ज्यादा है एडिशन से, तो एडिशन जो है यहां पे ऐसे ऐसे सरफेस बन जाती है, कुछ ऐसे सरफेस बन जाती है, ऐसे सरफेस बन जाती है मैंने रफली बनाई है थोड़ी, बिल्कुल ही थोड़ी स्मूथ बनेगी, ऐसे कुछ ऐसा मेनिस्कस जो है वो ऐसे बनेगा। तो ये ऐसा बन गया, तब बताओ ओरिजिनली सरफेस क्या थी, यहां पे ओरिजिन सरफेस थी यहां पे, है ना। अब क्या आ गई, यहां पे आ गई, तो क्या हो गई ओरिजिन सरफेस से कहां पे, तो ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन से आपको पता चलेगा क्या पूछ रहा है। ऑप्शन पूछ रहा है तो जो लेवल है, फ्री लेवल इन द इन फ्री लेवल ऑफ फ्लूड इन द ग्लास ट्यूब डिप्ड इन द ग्लास वेसल विल बी, अब बताओ देखो पहले यहां पे था, अब नीचे यहां पे आ गया, ग्लास ट्यूब और फ्लूड का जो लेवल इसके बीच में जो लेवल है वो यहां पे आ गया, तो कम हो गया या ज्यादा हो गया, कम हो गया ना, तो लोअर देन द सरफेस ऑफ द फ्लूड, लोअर देन ये वाला लेवल जो है वो सरफेस ऑफ द फ्लूड इससे नीचे है, सही है ना। तो ये देखो पूरा अपना हो गया नॉन वेटिंग लिक्विड का एग्जांपल, मैंने आपको फिर से बता दिया कि एच जी होता है, ये फिर से एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, इसकी सरफेस मैंने ऐसे बन जाती है, मेनिस्कस जो है वो ऐसे बनता है, और ये कंडीशन है इसकी, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दी। तो क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया है, आंसर आएगा इसमें बी, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, वेटिंग में अलग केस होता, वो अट्रैक्ट होने के बीच में से वो अपोजिट, जिससे अपोजिट सरफेस बनती, ये यहाँ पे लेवल चल जाता ऐसे बन जाती, वो वहाँ पे पढ़ा था तो मैंने फिर से उसको बता नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, पढ़ो इसको, किसका क्वेश्चन दिया है, ये आ गया है केपलरी एक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। केपलरी एक्शन में राइज ऑफ वाटर, तो जो फॉर्मूला था ना H का वो यहां पे काम आएगा, H इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी आर, वो काम आएगा यहां पे। इसमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, इसमें डेटा दे रखा है डायमीटर जो है ट्यूब की वो है 1 मीटर, तब है हाइट जो है ना राइज ऑफ वाटर वो होता है 3 सेंटीमीटर का, और जब ये पूछा है हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर पूछा है, जब अगर डायमीटर जो है 0.2 mm रख दो, तो देखो इसमें इन दोनों के बीच में ही रिलेशन पूछा है सीधा सीधा, तो देखो यहां पे रिलेशन क्या होता है, H इक्वल टू, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार फिर से, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो क्या पूछ रहा है वो, H इक्वल टू 2 सिग्मा कोस थीटा डिवाइड बाई रो जी आर, ये होता है क्वेश्चन, जो अपना जो H राइज ऑफ वाटर और या राइज ऑफ कोई भी फ्लूड अलग, अगर कोई भी फ्लूड लो तो ठीक है। अगर ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, न ही सिग्मा न ही थीटा इसके बारे में नहीं दिया, रो एंड जी तो अपन को वैसे ही पता है कि कांस्टेंट होता है, और जी रो जो है इसने कोई अपन को फ्लूड की कोई डेटा नहीं दिया है, तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, करेक्ट। जो रेडियस और इसके रेडियस एंड राइज ऑफ वाटर H के बीच में रिलेशन होगा सेम बाय सेम ही, रेडियस की जगह अगर मैं डायमीटर कर दूं तो भी सेम होगा, क्योंकि वो भी कांस्टेंट होगा, मैं R को dy2 लिख दूं तो 2 तो कांस्टेंट आ गया ना, फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है वो भी कांस्टेंट आ गया, तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D डायमीटर ऑफ ट्यूब, ये हो गया।
अब इसको सोल्व कर लो, ये आ गया एच टू डिवाइड बाई एच वन इक्वल्स टू डी वन डिवाइड बाई डी टू। अपन को निकालना क्या है, एच टू निकालना है, डेटा दिया हुआ है, बस ये निकालो सोल्व कर लो। एच टू इक्वल्स टू डी वन बाई डी टू, डी वन का पहले शुरुआत में डायमीटर दी थी 1 mm, बाद में डायमीटर दी है अपन को 0.2 mm। अब देखो मल्टीप्लाई बाई, अब पहले क्या दिया था डेटा, क्या दिया था एच वन, एच वन की वैल्यू दी थी अपन को 3 cm। अब सोल्व कर लो इसको, बस वैल्यू निकाल लो, आंसर आ गया 15 cm। तो H2 जो है, जो राइज ऑफ क्या है, वाटर, राइज ऑफ वाटर क्या होगा, वो 15 cm होगा। फ्लूड अपने इसने वाटर लिया है तो वाटर लिखा मैंने, तो ये हो गया, बिल्कुल आसान सा था। अब देखो इस किस पे क्वेश्चन है ना, पूरा H की वैल्यू पूछ ले, ये क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल छोटा भी फॉर्म में बन सकता है। तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें टाइम कम लगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, समझ गए, जैसे इसमें टाइम कम लगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पीछे का जो है फॉर्मूला आपको पता हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये भी पूछा जा सकता है लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, तो इसलिए इसने टाइम को बचाते हुए ये ऐसा किया है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ये अपन ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, तो आप इसका आंसर आप ही बताना, लास्ट क्लास में जब किया था तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत किए थे। देखो क्वेश्चन, देखो पढ़ो क्वेश्चन को। इसने पूछा है कि इसमें से जो दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से नॉन न्यूटोनियन फ्लूड कौन सा है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो मैंने फिर से बताया, फिर से आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने ये बोला था कि आपको न्यूटोनियन फ्लूड तो आपको याद होना ही चाहिए। न्यूटोनियन फ्लूड याद, आपने याद कर लिए, क्या हो गया, आप उसको बिल्कुल मेमोराइज कर लिया, क्या क्या थे, कौन कौन से थे, वाटर, एयर, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा, इतना तो स्टैंडर्ड है कि तो बार बार रिपीट होते ही हैं। उसके बाद में जो बच जाएंगे नॉन न्यूटोनियन बच जाएंगे, कम से कम इतना तो याद होना ही चाहिए आपको। तो देख लो ऑप्शन में, पहले में केरोसिन तो नहीं आएगा, केरोसिन देखते हट गया, तीसरे में डीजल वाटर हट गया, और डी जो ऑप्शन है उसमें केरोसिन वाटर तो हट गया, और बी ऑप्शन है उसमें आया है ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट, तो आंसर हो गया अपना ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट, ये आएगा नॉन न्यूटोनियन में। और फिर अब आपको बताना है, बताओ ह्यूमन ब्लड किसका एग्जाम्पल है, टूथपेस्ट किसका एग्जाम्पल है, ह्यूमन ब्लड नॉन न्यूटोनियन में किस टाइप के नॉन न्यूटोनियन का फ्लूड का एग्जाम्पल है, नाम बताओ उसका स्पेसिफाई करके। टूथपेस्ट किसका एग्जाम्पल है, ड्यूम प्लास्टिक फ्लूड का, और ह्यूमन ब्लड किसका एग्जाम्पल है, सूडो प्लास्टिक का, ठीक है। तो ये आपको अलग से भी याद हो जाए, ये बार बार रिवाइज हो रहा है, ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, करेक्ट है। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है न्यूमेरिकल अपना, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल करो इसको, पढ़ो इसको। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपन को पूछा प्रेशर पूछा है, ठीक है, टोटल प्रेशर पूछा है, और स्लूस गेट दे रखा है, स्लूस गेट की डायमेंशन दे रखी है 2 × 1 meter, ठीक है। अब डायमेंशन इसकी दे रखी है, उसमें लैंग्वेज में आगे लिखा है स्लूस गेट डायमेंशन 2 × 1 meter विद इट्स टॉप 2 meter, जो टॉप जो है ना वो 2 meter है, देखो ऐसे कुछ है इसकी। तो आपको लैंग्वेज में थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, कुछ ऐसे है, ऐसे ये 1 meter है, और ये अगर मैं 3D में बताऊं इसको तो ये जो 2 meter जो है ना वो टॉप वो ऐसे इस प्लेन में आ रहा है, 2 meter इस प्लेन में है, ठीक है। अगर इसमें 3D में आपको समझाना चाहूं तो ऐसे कुछ होगा, ऐसे और ये ऐसे, ऐसे और ये ऐसे होगा, ये 2 meter है, इसके इस वाले डायरेक्शन में ये 1 meter हो गया। तो इसको सिर्फ समझाने के लिए है, न्यूमेरिकल इससे सोल्व हो जाएगा अपना, ठीक है। और वो जो है ना वो कितना पे है, वो सरफेस पे है, डिफरेंस कितना है यहाँ पे, तो टॉप सरफेस है वो है 0.5 meter पे है, तो ये यहाँ पे है 0.5 meter, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गई टोटल, यहाँ पे कितनी हो गई, ये हो गई 0.5 × 1.5 meter, करेक्ट है। अब बताओ एक क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, मैंने एक चीज़ इसमें जब चैप्टर पढ़ाया था
तब एक चीज मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, प्रेशर डायग्राम, क्योंकि वो पूरा थ्योरी में बताने में कोई फायदा नहीं है, न्यूमेरिकल की सहायता से आपको आराम से पढ़ाया जा सकता है वो, ठीक है, वो न्यूमेरिकली उसका काम का है और कुछ काम का नहीं है। देखो इसका, देखो क्या कैसे सोल्व करेंगे। प्रेशर डायग्राम क्या होता है, प्रेशर डायग्राम में क्या करना होता है, अपन जानते हैं पी इक्व टू रो जी एच, ठीक है। प्रेशर डायग्राम में मैंने ये बना दिया, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन खींचिए, देखो इस पॉइंट पे मुझे ये बताओ प्रेशर और हाइट या डेप्थ के बीच में रिलेशन क्या है। प्रेशर और डेप्थ के बीच में रिलेशन है प्रोपोर्शनल का है, स्ट्रेट लाइन आएगी, और जो स्ट्रेट लाइन आएगी है ना प्रोपोर्शनल का है, तो कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसे ऐसे स्लोप पे ये आ गई, करेक्ट है ना। तो यहां पे बताओ इसकी वैल्यू बता दूंगा, यहां पे मुझे पता है 0.5 वैल्यू डाल के वैल्यू बता दो, यहां पे वैल्यू 1.5 डाल के बता दो, और यहां पे है क्या, इसने ये लिया है, इसने फ्लूड क्या लिया है वाटर, तो रो की वैल्यू दे रखी है अपन को, रो की वैल्यू दे रखी है 1000, ठीक है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बताओ, और इसने डेटा देख लो, क्वेश्चन में डेटा किस में पूछा है, डेटा इसने पूछा है किलोग्राम में पूछा है, तो किलोग्राम में पूछा है टोटल है ना, और वो प्रेशर टोटल प्रेशर जो है ये पूछा, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर का मतलब क्या है, टोटल प्रेशर है, प्रेशर फोर्स पूछा है। तो देखो यहां पे मैं बता दूं पी इक्व टू रो जी एच लिख दूंगा, तो मैं इसको लिख दूंगा रो डब्ल्यू, यहां पे रो डब्ल्यू लास्ट में डाल दूंगा वैल्यू, और जी इंटू एच, एच क्या 0.5, यहां पे प्रेशर क्या आ जाएगा, यहां पे प्रेशर आ जाएगा रो डब्ल्यू जी इंटू एच क्या 1.5, करेक्ट है, करेक्ट है ना। अब देखो प्रेशर डायग्राम में ये तो आपने प्रेशर आपको इस फॉर्मूले से लिख दिया, प्रेशर डायग्राम में क्या करते हैं, अपन को टोटल प्रेशर चाहिए, टोटल प्रेशर चाहिए मतलब प्रेशर फोर्स चाहिए, तो क्या करेंगे, ये जो प्रेशर डायग्राम है इसका इसका एरिया ले लेंगे, तो अपना सरफेस कौन सा है, एरिया कौन सा होगा, 1 मीटर ये और 2 मीटर ये वाले डायरेक्शन, ये वाला चीज है ना, तो 1 मीटर तो ये डेप्थ है और 2 मीटर ये साइड वाली है, इसका अपन एरिया ले लेंगे। तो देखो ये दोनों का रेशियो, ये इसका यहां से यहां ये वाला जो ना यहां तक का एरिया ले लेंगे, इसको एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा P1 जो है वो P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2, दोनों का एवरेज और ये डिस्टेंस कितनी है, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा P1, ये आएगा रो डब्ल्यू जी इंटू 0.5 प्लस रो डब्ल्यू जी इंटू 1.5, कितना आएगा, ये आएगा 2 रो डब्ल्यू जी, 2 डब्ल्यू जी आ गया अपना टोटल फोर्स, ये आएगा टोटल प्रेशर। अब जिस यूनिट में पूछा है, जिस यूनिट में पूछा है उसी में ही अपन आंसर निकाल देंगे, ये यूनिट में क्या आना चाहिए, ये आएगा न्यूटन में, अपन को पूछा किलोग्राम में, तो जी से को डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, जी से डिवाइड करने पे 2 इंटू रो डब्ल्यू जी को डिवाइड कर दिया मैंने जी से, तो क्या आया 2 इंटू रो डब्ल्यू, रो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 1000, तो आंसर क्या आ जाएगा 2000, तो 2000 किलोग्राम में आंसर इसका आ जाएगा। तो टोटल मैं यहां पे आंसर लिख रहा हूं, जो अपना टोटल प्रेशर या प्रेशर फोर्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000 किलोग्राम। तो प्रेशर डायग्राम का क्वेश्चन ऐसे बनता है कि प्रेशर को देखो अपन जानते हैं जो फोर्स होगा वो प्रेशर इनटू एरिया होगा ना, तो प्रेशर तो यहां पे इन दोनों का एवरेज ले लिया है ना, और एरिया जो है ये यहां का जो एरिया आया था 1 और 2 मीटर इधर है, ये सरफेस तो यही है ना, 1 मीटर डेप्थ और 2 मीटर इस डायरेक्शन में इसका जो टॉप है, तो उसके एरिया को मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये है एरिया और ये बने प्रेशर इंटेंसिटी। तो जब भी टोटल प्रेशर मिले क्वेश्चन में, जब टर्म जैसे लिखा हो टोटल प्रेशर, तो क्या पूछ रहा है, वो प्रेशर फोर्स पूछ रहा है, यूनिट है वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑप्शन देख के पता चलेगा ये न्यूटन ने पूछा है या फिर किलोग्राम में पूछा है, ठीक है, यूनिट तो वो अलग चीज है, मैटर अलग चीज है, वो जी से अपन को डिवाइड करना पड़ गया यूनिट की वजह से, ये तो अपन न्यूटन यूनिट में निकाल देते, ठीक है, न्यूटन या किलो न्यूटन में उसको कर देते, और
ये जो पी जब अपन लिखते हैं ना प्रेशर, पी कुछ टू रोजी है, ये होती है प्रेशर इंटेंसिटी, और ये टोटल जो फोर्स टोटल प्रेशर है वो होता है प्रेशर फोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना हो गया है। ये अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी के लेवल के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें समझा दूंगा आपको कैसे आया है, याद लेकिन आपको रखना है क्वेश्चन। ये रिपीट हो सकता है फिर से। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में पूछा है, ये रिलेशन पूछा है हाइट में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हाइट में, और उसमें रिलेशन में पूछा है कि एल्टीट्यूड जो है राइज इन एल्टीट्यूड की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। अपन को पता है, ये क्वेश्चन में बताया है कि वो डिक्रीज होती है, डिक्रीज होता है हाइट जैसे बढ़ने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती है। वो कैसे होगा, वो लीनियरली होगा, पहले ज्यादा होगा या फिर कम होगा, वो ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, तीन चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अभी देखो यहाँ पे देखो, अपन ने मैथमेटिकल फॉर्म में देखो P इक्वल टू रो जी एच, एच अपना होता है यहाँ पे डेप्थ। ठीक है, तो डेप्थ जैसे ही एच की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो P की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, डेप्थ पे, और अगर मैं हाइट बोलूँ जस्ट अपोजिट आ जाएगा, हाइट इंक्रीज होने पे P की वैल्यू डिक्रीज होती है, जो जैसा इसने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती है जैसा इसने क्वेश्चन में भी बताया है। और कैसे हो रही है, अब ये देखो, मैंने जब ये प्रेशर पढ़ाया था तो मैंने बताया था जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो किस वजह से आता है, वो एनवायरमेंटल मास की वजह से आता है। एनवायरमेंटल मास, या फिर दूसरे टर्म में कहूँ कि जो एयर या बहुत सारी गैसेज हैं उसकी वजह से आता है। तो मेजोरिटी में तो एयर ही होती है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सभी होती हैं, तो उसकी वजह से आता है एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो देखो अर्थ सरफेस होती है, ये अर्थ सरफेस है, जैसे ही अपन हाइट में जाएंगे ऊपर, हाइट ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होगा, एनवायरमेंटल मास कुछ एक ये है हाइट यहाँ पे, इसकी यहाँ तक ही इसकी जो एयर मास है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद में क्या होता है कि एयर मास है वो बहुत कम हो जाता है ना, ये अवेलेबल नहीं होता है। ये अपने आप जानते हैं कि माउंटेन वाले एरिया में जो वो है वहाँ पे ऑक्सीजन जो एयर है वो बहुत कम है ना। जैसे अभी चाइना इंडिया बॉर्डर है ना, अरुणाचल इस वाले इलाके में लद्दाख है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना, वहाँ पे अगर सोल्जर्स की अगर ड्यूटी लगती है तो बहुत दिन पहले जाना पड़ता है कि ताकि एडजस्ट हो जाए वहाँ पे, तो वो आपको पता है ये लाइव एग्जांपल से। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे जैसे एक फिक्स्ड हाइट है, शुरुआत में क्या होगा, स्लोली स्लोली हाइट बढ़ने पे स्लोली स्लोली जो है ना पी की जो वैल्यू है प्रेशर की वैल्यू स्लोली डिक्रीज होती है शुरुआत में, तो ये ऐसा रिलेशन लगभग फॉलो करता है। उसके बाद में क्या होता है, एयर मास जो है ना वो बिल्कुल कम हो जाता है, तो वो जो डिक्रीमेंट है वो स्टीप होता है, पहले स्लोली देन डिक्रीमेंट है ना, वो डिक्रीमेंट जो है वो स्टीप होता है। अपन को पता है हाइट बढ़ने पर प्रेशर की वैल्यू कम होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती है, वो कैसे, शुरुआत में तो एयर मास होता है, तो जैसे जैसे जाएंगे हाइट में जाएंगे तो पता है ये प्रेशर की वैल्यू तो कम तो होगी लेकिन होती है शुरुआत में स्लोली, उसके बाद एयर मास बहुत कम है। ये एयर मास मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया है, एयर जो है वो बहुत कम है तो क्या होगा, जो डिक्रीमेंट है वो स्टीप हो जाता है। तो ऑप्शन क्या आएगा, वो आएगा ऑप्शन आएगा फर्स्ट स्लोली देन स्टीप, तो ये हो जाएगा ऑप्शन अपना बी। तो ये ऐसे आपने समझ लिया, याद तो आपको करना ही करना है, तो लेकिन समझ लिया तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलो और क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इंटीग्रेटेड।